नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में जहां देश विदेश का क्राफ्ट मेला दर्शकों को देखने को मिल रहा है, वहीं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के पीतल का क्राफ्ट लेकर आए हस्तशिल्पी नीरज कुमार सोनी की कला की भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है। इनके स्टॉल पर विभिन्न पीतल की मूर्तियों और शोपीस के अलावा अयोध्या के राम मंदिर का मॉडल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 2.5 किलो वजन के इस मॉडल को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से पीतल का क्राफ्ट लेकर आए हस्तशिल्पी नीरज कुमार सोनी ने बताया कि टीवी पर राम मंदिर का मॉडल देखकर उनके मन में आया कि क्यों ना राम मंदिर का मॉडल पीतल पर उकेरा जाए, और इसी प्रेरणा के चलते उन्होंने 2.5 किलो वजन के राम मंदिर मॉडल का निर्माण किया है, जिसे मेला दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभी वो इसमें और भी सुधार करेंगे और इसे बड़े रूप में बनाएंगे। नीरज कुमार ने बताया कि वे पहली बार इसे मेले में आए हैं और यदि कोई इससे बड़े राम मंदिर मॉडल की मांग करता है तो वो उनके ऑर्डर पर इसे बनाकर देंगे। वहीं इस स्टॉल पर पीतल का क्राफ्ट देख रहे लोगों ने हस्तशिल्प की ओर से बनाई गई सभी कलाकृतियों की जमकर तारीफ की और खासतौर पर राम मंदिर मॉडल की भूरी भूरी प्रशंसा की। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता रिंकू शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नितिन कुमार सोनी। नितिन जी, कहाँ से आए हैं? टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से। जानना चाहेंगे सूरजकुंड मेले में आए हैं, क्या स्टॉल नंबर है और क्या क्राफ्ट लेकर आए हैं आप? पीतल वर्क का सामान लेके आए हैं सर, पीतल की मूर्तियाँ वगैरह है, खेल खिलौने वगैरह भी है, एलिफेंट वगैरह भी है, और 366 स्टॉल नंबर है मेरा। अच्छा। छत्तीसगढ़ गेट के सामने ही हमारा स्टॉल लगा हुआ है। अच्छा, तो बात करें, काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छी कलाकृतियाँ आप जो है ये पीतल क्राफ्ट में लेकर आए हैं। जी जी सर, शुरुआत से लेकर बात करें रेट की और हाईएस्ट क्या क्या रेट है? सर मेरे पास 600 रुपये से शुरुआत है और 150,000 रुपये तक का है। 150,000। जैसे देखा जा रहा है छोटे छोटे आइटम से लेकर जो है बड़ी मूर्तियां जो कई किलो की भी हैं। जी जी, जैसे बालाजी की भी एक मूर्ति पड़ी हुई है उधर। हाँ, वो 120,000 रुपये की है, कम से कम 55 kg वेट है उसका, बालाजी की मूर्ति। जी जी। अच्छा, तो क्या कितना टाइम लगा उस मूर्ति को बनाने को? बनाने में करीब करीब 1 से 1.5 महीने का समय लगता है सर। कितनी पुरानी कला है ये पीतल की? ये सर हमारा पैतृक काम है सर, हम लोग सोनी हैं, हमारे वहाँ पहले पैजने कड़े वगैरह ये सोने का काम भी होता है हमारे घर पे। मेरे बड़े भाई सोने का काम भी करते हैं, भाई चेन का काम भी करता है, सोने की चेन, और ये हमारा पैतृक काम है ये हमारा। तो किस तरह से रिस्पॉन्स रहा है इस बार? अभी शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है सर, फिर भी ठीक है और आने वाले समय में काफ़ी अच्छा ही होगा सर। पहले कभी आए हैं? मैं करीब हर साल ही ना आता हूँ सर, मैं हर साल आता हूँ। हर साल आते हैं। हाँ। तो किस तरह से जो टूरिज्म के, हरियाणा टूरिज्म के किस तरह से आपके साथ रहता है? वो काफ़ी अच्छा होता है, हरियाणा टूरिज्म वाले भी अच्छे होते हैं, और यहाँ की अच्छी विशेषता है कि यहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी होती है, और कभी यानी नाइट में कभी शिकायत नहीं मिली कि कोई सामान हमारा चोरी वोरी हुआ है। यहाँ की पुलिस वाले भी यानी अच्छे हुए हैं कि ऐसे ही ओपन में भी अगर सामान छोड़ के चले जाओ तो चोरी नहीं होती है सर। अच्छा, तो बात करें जैसे आपने बताया ये जो आइटम्स हैं, क्या क्या आइटम्स आप लेकर आए हैं उसके बारे में? बुद्ध भगवान है, एलिफेंट है, उल्ली वगैरह है, सभी प्रकार के भगवान है, गणेश है, लक्ष्मी है, घंटियाँ वगैरह भी है। घंटी की बात करें, घंटी का पेयर कितने का है? घंटी का पेयर सर पड़ेगा सर आपको 1800 रुपये का। 1800 रुपये का? जी। अच्छा, तो ये प्योर पीतल है आपका? जी सर, जी पीतल है। तो आने वाले समय में जो है क्या कहना चाहेंगे? अभी 19 तारीख तक मेला और है, मेला दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा सर, सभी लोग आए और पूरा दिल्ली और पूरा हरियाणा टूरिज्म आए यहाँ से और काफ़ी शॉपिंग करें कि हम लोग यहाँ से। जब आपकी कला को यहाँ लोग खरीदते हैं, पसंद करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है सर, खरीदते हैं यहाँ पर दिल्ली में काफ़ी अच्छा लगता है। इससे पहले हमने प्रगति मैदान में भी लगाया था, वहाँ पर भी हमारा अच्छा चला, अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है जब। जी 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 जी, इस बार भी उम्मीद है कि अच्छा मुनाफा नहीं, अच्छा ही होगा सर। मेरा नाम है कोमल ठाकुर। कहाँ से आए हैं? मैं बीके हॉस्पिटल से। अच्छा, फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। क्या कहना चाहेंगे जो पीतल क्राफ्ट लेकर आए हैं? बड़ा सुंदर सुंदर आकृतियाँ हैं लक्ष्मी गणेश की, भगवान की, काफी सुंदर लगी है, काफी अट्रैक्टिव है मूर्तियाँ। तो बात करें, आपने प्राइस पूछा यहाँ से, पर प्राइस में है थोड़ा सा कॉस्टली है, मतलब जो ठीक है थोड़ा सा कॉस्टली है। कला भी तो है, कला भी है, पर ठीक है, नेगोशिएट हो सकता है थोड़ा बहुत अगर करना चाहे तो। बाकी पहली बार राम मंदिर का मॉडल भी लेकर आए हैं ये। राम मंदिर का मॉडल ये मैंने देखा है, काफी सुंदर है। मैम क्या नाम है आपका? सरगीता। क्या कहना चाहेंगे जो पीतल क्राफ्ट लेकर आए हैं मध्य प्रदेश से? सर बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ तो मुश्किल है शायद मिलना भी, बहुत अच्छा है। बात करें कला कैसी लगी है? बहुत अच्छी है सर, उनकी मेहनत है वो दिखाई दे रही है। मेरा नाम मंजू यादव।
अच्छा लग रहा है जैसे दिखा रहे हैं उस हिसाब से इनकी कॉस्ट होगी पता नहीं। मंदिर का आपने मॉडल देखा यहाँ पर पहली बार लेकर आए हैं और अपने हाथों से इन्होंने बनाया है? नहीं, बहुत अच्छी मूर्ति है, बहुत अच्छा है, जिसको पसंद आएगा वो लेके जाए। अरविंद कुमार सर क्या कहना चाहेंगे पीतल क्राफ्ट मध्य प्रदेश? अच्छा है, वही देख रहे थे हमने एक्चुअली, वो अभी जो मैं देख रहा था काम देने वाला वो हमने भी मंगवाया है तो वही एक बार देख रहा। कैसा लग रहा है अनहोल मेला स्टार्टिंग में आए हैं? ठीक है सर, बढ़िया अच्छा लग रहा है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।